मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने बनाए हैं नए तरीके के ब्रेड पकोड़ा, तो देरी नहीं करते शुरू करते हैं। नए तरीके के ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 8 ब्रेड ली है चौरस वाली, थोड़ा तेल लिया है, थोड़ा केचप लिया है, आलू लिया है एक उबाला हुआ, नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है और क्रश कर लिया है, 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च पाउडर लिया है और हरी मिर्च और हरा धनिया पीस कर रखा है, 4 से 5 हरी मिर्च पीसी है अंदर, और 1 कटा हुआ प्याज, आधा नींबू लिया है। ये सब लिया है ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए। तो हम बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा नए तरीके से। हरी मिर्च और धनिया के पेस्ट में अब हम नींबू डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे हम ऐसे, और अब हम बेसन का घोल बनाते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए बेसन का घोल बनाते हैं। अब हम बेसन का घोल बनाते हैं, नमक और मिर्ची डालकर। 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है मैंने, नमक और मिर्ची डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा सा नमक मैंने बचा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे हम और बेसन का घोल बनाएंगे। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए अलग तरीके के ब्रेड पकोड़ा। बेसन का घोल बना लिया है, अब हम ब्रेड पे आलू और चटनी डालते हैं, लगाते हैं कोथमीर, हरा धनिया और हरी मिर्च की। ब्रेड लिए मैंने चौरस वाली, जो नमक हमने थोड़ा बचाया था वो हम अब इसमें डाल देंगे और हिलाएंगे। नींबू, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, उसका पेस्ट बनाया है वो हम ब्रेड पे लगाएंगे। पहले आलू लगाएंगे, आलू रख दिया है मैंने इस पे। अब इस पे हरी मिर्च और हरा धनिया, नींबू, उसका पेस्ट रखेंगे। ऐसे रख देंगे और अब प्याज रखेंगे, कटे हुए प्याज थोड़े से। अब सॉस रखेंगे इस पे, केचप, केचप रखेंगे, सब चीज रखती है, आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च। इसको अब हम बेसन को कोनों पे रखेंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बेसन को कोनों पे रखेंगे। दूसरी ब्रेड को ऊपर रख देंगे। ऐसे रख देंगे। तेल को गरम करेंगे अब हम कढ़ाई में। कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दिया है गरम होने के लिए, थोड़ा ही तेल लिया है, हम कम तेल में बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। ऊपर की ब्रेड पर हम थोड़ा बेसन रखेंगे चमची की मदद से, थोड़ा सा बेसन रखेंगे, कम बेसन में बनाना है हमको, कम तेल में भी बनाना है।
तेल में रख देंगे। अब कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, ऊपर से बेसन रखेंगे और थोड़ा थोड़ा बेसन ही रखेंगे, कम बेसन में बनाना है हमको ब्रेड पकोड़ा, एकदम कम बेसन में बनाना है। धीरे आंच पर सेकना है इसको कम तेल में। धीरे आंच पर सेक लेना है हमको, कम तेल में सेकना है हमको। बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी सब चीज़ें इसमें। ब्रेड पकोड़ा फ्राई हो गए हैं हमारे कम तेल वाले, निकाल लेंगे अब बाहर इसको हम। अब एक एक कर कर हम सब ब्रेड पकोड़ा बना, हमने चार ही ब्रेड पकोड़ा फ्राई कर लिए हैं, कम तेल में ब्रेड पकोड़ा फ्राई किए हैं हमने। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। आप भी ब्रेड पकोड़ा कम तेल में इसी तरह बनाएं और केचप के साथ सर्व करें। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।